हम एतमाद हैं, एतकाद हैं पंजाब के लोगों पे, हम उन्हीं के आसरे पे जा रहे हैं और उन्हीं की उम्मीद है हमें भी और खान को भी। कुछ भी हो हम जाएंगे और इंशाल्लाह पंजाब निकलेगा। सर ये बताएंगे बहावल नगर में जो वाकया पेश आया उस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस गोंदल हूँ, इस वक्त पशीन में मौजूद हूँ। पसंद के साहब के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि पशीन के अंदर आज आपने जलसा किया, क्या लगता है किस हद तक आप लोग कामयाब होंगे प्रेशर डालने में मौजूदा हुकूमत के ऊपर? बहुत शुक्रिया, आज का जलसा इंतहाई शानदार रहा है, आवाम का जोश व खरोश दीदनी था और पूरे पंडाल से खान के नाम के और खान की रिहाई के लिए नारे लग रहे थे। ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अवाम का ट्रेंड क्या है और पाकिस्तान के अवाम अब किस रुख पे निकलने लगे हैं। आप पंजाब की बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर मैंने निकलना है, तो पंजाब के अंदर अभी तक कोई क्यादत सामने नहीं आई और ना ही कोई रैली हुई ना कोई जलसा हुआ, तो वहाँ पे छापे पड़ते हैं पुलिस के। आप एक मरतबा गए थे, आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, आप दोबारा जाएंगे तो आपको फिर गिरफ्तार कर लेंगे, तो क्या करेंगे? पहले मैं गया था, वो तो मैं कन्वेंशन के लिए नहीं गया था, वकला का कन्वेंशन था। अब जब जाएंगे इंशाल्लाह, हमें एतमाद हैं, एतकाद हैं पंजाब के लोगों पर, हम उन्हीं के आसरे पर जा रहे हैं और उन्हीं की उम्मीद है हमें भी और खान को भी। और अगर ये भारी तादाद में निकलेंगे, कम से कम ये अगर 10,000 भी निकलेंगे पुलिस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं निकलेंगे तो हम पंजाब की सरजमीन पे हमारे साथ पुलिस जो भी करेगी, हम चाहते हैं कि पंजाब के लोग हमें देखें कि ये किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत के साथ रवैया बरत रहे हैं। कुछ भी हो हम जाएंगे और इंशाल्लाह पंजाब निकलेगा। सर ये बताएं कि बहावल नगर में जो वाकया पेश आया उस हवाले से क्या कहते हैं? इस पे मैंने ट्वीट दिया है, ये वाकया टिपिकली पाकिस्तान के निज़ाम की सही अक्कासी करता है कि ये पाकिस्तान का कानून का निज़ाम है, रूल ऑफ लॉ का निज़ाम है, यानी कि पुलिस को तानों में मारे और ताने जो हैं वो अंडर अटैक है, यही काम इल्ज़ाम था पीटीआई पे के कमर मशानी में ताने पे अटैक किया और न पुलिस वालों को मार पड़ी न इतनी पेंटी पड़ी जो फौजियों के हाथों उनको लगी। आज भी हमारे 105 वर्कर कमर मशानी के केस में बंद है और जो इन्होंने किया वो कहते हैं चलते हैं, आवाम ज़्यादा आ चुकी है। थैंक यू सो मच।